हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए विशेष सूचना कि इस समय वीडियो आने में थोड़ी लेट हो जा रही है दोस्तों, क्योंकि इस समय जो है नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जो है इस समय यहाँ प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के पास धरना प्रदर्शन शुरू है, जिसमें मैं 2 दिन से वहां हूँ। और इसके पहले कई सारा जो तैयारियां होती हैं, जैसे कि कई लोगों के साथ, एक ग्रुप के साथ लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना, लाइब्रेरी में कोचिंग क्लासेस में जाना, उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना, उनको उनके बारे में बताना, इन सब के लिए काफी व्यस्तता चल रही थी दोस्तों। तो अभी कल भी हम लोग गए थे, आज भी गए, इसका अभी कोई रिजल्ट नहीं निकला विशेष। अभी देखते हैं कल क्या होता है। तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आप लोगों को सूचना दिया जाएगा। तो यही था, इसीलिए दोस्तों विलंब ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इस समय जो नॉर्मलाइजेशन है इसके खिलाफ जो है हम लोग बहुत तेजी से आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इससे आएगा पता नहीं चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन जब हो जाएगा, कि क्योंकि 2 शिफ्ट में होगा तो कोई ना कोई सरल माना जाएगा, कोई ना कोई कठिन माना जाएगा, इसके हिसाब से घपला जो पता नहीं चलेगा कि कौन अंदर आ रहा है कौन। पता लगा बेचारा जो है 95 वाले का नहीं हुआ और पता लगा 90 वाले का हो गया। तो इस तरह से बहुत से सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी, अवैध एंट्रियां होने लगेगी मनमानी तरीके से। तो इस सब से निजात पाने के लिए जो दिन रात स्टूडेंट मेहनत करता है, जो अपनी जो है माँ बाप की काढ़ी कमाई का, जो अपनी एक एक जो है मेहनत के पैसा का लगा रहा है, अपनी जिंदगी दांव पर लगाया हुआ है, 5-5 साल 8-8 साल से तैयारी कर रहा है, तो उसकी जिंदगी से खिलवाड़ ना हो उसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। तो यही है कि आप सबसे निवेदन है, आप सब भी जहां हैं अपने हिसाब से सोशल मीडिया पर अपना जो है इसके लिए विरोध जताइए। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे खान सर की संस्था KGS IAS की टेस्ट सीरीज। तो KGS IAS की टेस्ट सीरीज में दोस्तों हम लोग 3 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिए थे, एक करंट अफेयर्स की, एक पॉलिटी की और एक यूपी स्पेशल की। अब हम लोग खान सर की संस्था यानी KGS IAS की ये चौथी टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। इस चौथी टेस्ट सीरीज आज हमारी जो है यह शुद्ध रूप से हिस्ट्री का है। यह टेस्ट सीरीज दोस्तों मैं बता चुका हूं, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 यानी आपके आने वाले जो एग्जाम्स है यूपीपीसीएस और RO ARO के लिए यह कंबाइंड टेस्ट सीरीज है। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही दमदार टेस्ट सीरीज है, एक भरोसेमंद संस्था की दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर इसका आपको PDF चाहिए मेरे भाई, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे इस टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां पर जाएंगे तो इसका आपको PDF जो है मिल जाएगा। तो आप लोग जो है एक बार PDF से भी इस चीजों को दोहरा लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यह मैंने 3 टेस्ट सीरीज करवा लिया था, इसके बाद बीच में मैंने आपको एक Next IAS और एक घटना चक्र की टेस्ट सीरीज करवा दिया था बहुत इंपॉर्टेंट समझकर। तो इसलिए बीच में दो मतलब टेस्ट सीरीज दूसरी संस्था की हो गई थी। तो हम लोग ये खान सर की जो KGS IAS की कर रहे थे तो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे के लिए हम लोग। तो बहुत ही बेहतरीन चौथी टेस्ट सीरीज शुद्ध रूप से हिस्ट्री का है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि आने वाले एग्जाम में हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस हो या RO ARO हो, उसमें हिस्ट्री का वेटेज सबसे लगभग अधिक होता है, बहुत बड़ा वेटेज वाला ये सब्जेक्ट है। तो इसलिए हम लोग बहुत ही गंभीरता से एक एक प्रश्नों को चुन चुनकर सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो सारे के सारे प्रश्न दोस्तों एक हिसाब से मॉडर्न तरीके से बनाए गए हैं, मोस्ट अपडेटेड प्रश्न है, पिछले बार जो एग्जाम में जो भी प्रश्न आए हैं उन्हीं के बेस पर यह बनाया गया है। तो चले दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो देखें बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ हमारा, तो क्या है देखें हम लोग पहले वाले में। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो पहला वाला में दोस्तों हमें ये मैचिंग वाला प्रश्न दिया है। तो मैचिंग वाले प्रश्न में दोस्तों हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, एक तरफ हमको जो यहाँ पर दे दिए हैं कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल दे दिए हैं और दूसरे सूची में दे दिए हैं कार्यकाल। तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का कौन सा कार्यकाल रहा है उसके हिसाब से हमें बताकर ये सेट में बताना है कि कौन सा है। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी क्या, क्योंकि मैचिंग वाले में जो हमें सबसे ज्यादा क्लियर हो उसी पर हम लोग जाते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी का दोस्तों यहाँ पर तो 48 से 56 था, यहाँ 57 दे दिया है, तो यहाँ पर 1848 से ये 56 था तो यहाँ 57 दे दिया। तो हम लोग मान ले हाँ भाई 57 ही रहा होगा, क्योंकि 1-2 साल इधर उधर हर एक कैंडिडेट में हो जाता है। तो ये वाला यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर चला आएगा 2 पर,
तो डी वाला दो पर रहना चाहिए। डी वाला दो पर कहाँ है दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं डी वाला दो सिर्फ ए में है और कहीं नहीं है, तो इसका मतलब हम बहुत सही जगह पहुंचे हैं, विकल्प नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। सिर्फ एक ही जानकारी के बल पर, जो कि हम सबको पता होती है, डलहौजी ने हड़प नीति लेकर आया था, उसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक लगभग था, तो इसके बारे में हम सबको लगभग पता होता है, किसी और के बारे में पता हो या ना हो। तो देखो हम लोग उत्तर को कितनी जल्दी से एलिमिनेशन के माध्यम से पा गया, सिर्फ एक ही जानकारी के बल पर, क्योंकि ये दो वाला हमें क्लियर है, तो दो केवल डी के पास है, तो इसका मतलब यही सही है हमारा। अब हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल ये वाला था 1786 से 1796, कहीं कहीं ये कंटेंट जो है आपको 1894 मिल जाएगा, तो और लॉर्ड हेस्टिंग का आपको यहाँ पर 1813 से 1822 मिल जाएगा, और ये सी वाला जो है इसका तो यही रास्ता है, यह 1898 से 1905 लॉर्ड वेलेजली का, जो सहायक संधि लेकर आया था लॉर्ड वेलेजली, तो विकल्प नंबर ए हमारा सत्य है। आगे देखें हम लोग, ये दूसरा वाला दोस्तों क्या है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर अगर आप लोग ये एंशियंट पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको ये सवाल जरूर मिलता होगा, यहाँ पर ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आगे देखें हम लोग, यहाँ देखें क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है, कौन सा साहित्य दोस्तों, कौन सा साहित्य बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों एक चीज तो आप लोग को मालूम है, आप लोग जहां सूत्र नाम देखते होंगे ज्यादातर वो जो है जैन साहित्य से संबंध होता है, जैसे आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, ये सब ज्यादातर जैन ऐसे सूत्र नाम होते हैं, अगर आपको मोटा मोटा याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, तो ये जैन साहित्य। तो यहां पर आप लोग देखते हैं जो आचारांग सूत्र है ये जैन साहित्य है, और कुवल कुवल या माला, कुवल माला, ये जो कुवलय माला है ये भी जो है जैन साहित्य है, तो एक और दो जिसमें होंगे वो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये दो जो है ये जैन साहित्य है, तो एक दो जहां होंगे उसे काट दीजिए, हम लोग इसको काट दें, इसको काट दें, इसको काट दें, हमारा बचा सी, यानी विकल्प नंबर सी ही हमारा उत्तर होगा, ये खुद्दक निकाय और ये आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये एक और ये तीन वाला और ये चार वाला हमारा जो है यह बौद्ध साहित्य है। तो आप लोग निकाय देखेंगे, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, ऐसे जो शब्द होते हैं ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है, तो विकल्प नंबर ये दूसरा का हमारा ये सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पर, तो क्या है हमारा ये तीसरा वाले में, तो यहाँ तीसरा वाले में दोस्तों हमें क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो निम्नलिखित में से किस शासक को देवनाम पीय दस्सी के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सी सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा होगा कि देवनाम पीय दस्सी यानी देवों का प्यारा, तो ऐसा कौन सा शासक है, तो अशोक को कहा जाता है दोस्तों, विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा। आगे देखें, आगे हमारा क्या है ये चौथे वाले में, चौथे वाले में दोस्तों प्यारा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हम लोगों से पाला पड़ा होगा ये, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से, तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं तो आपको सही रहेगा देखने में। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में, उस अभिलेख का नाम बताइए, उस अभिलेख का नाम बताना है, किस अभिलेख से हर्ष एवं पुलकेशियन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है। तो दोस्तों ये एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख से हर्ष एवं पुलकेशियन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है, विकल्प नंबर ये जो क्वेश्चन नंबर चौथे का हमारा सी हो जाएगा। एहोल अभिलेख में हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है, और यहाँ तो आप लोग देखें हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल शासन के घटनाओं का यहाँ विवरण आपको मिल जाएगा, और ये जूनागढ़ अभिलेख में यहाँ पर आप लोग तो यहाँ पर पढ़े होंगे कि रुद्रदामन के विजय और व्यक्तित्व का यहाँ पर उल्लेख है ये सब, और नासिक के बारे में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ये नासिक वाले में, तो विकल्प नंबर जो सी है एहोल अभिलेख हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है। आगे देखें हम लोग ये पांचवे में, निम्नलिखित में से किस स्थान से मरणासन्न राजकुमारी का चित्र मिलता है, तो मरणासन्न राजकुमारी का चित्र मिलता है कहां से मिलता है दोस्तों, तो अजंता की गुफा से, अजंता की गुफा आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में है ये, तो वहां पर बहुत ही विशिष्ट जो है चित्र का चित्र है वहां पर अजंता गुफा में, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा अजंता की गुफा से। तो आगे देखें हम लोग,
ये छठवे में क्या है? तो छठवां में दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जो जैसा क्वेश्चन होता है उसी हिसाब से हम लोग उसको समय भी देते हैं, जो जो थोड़ा सा समझने लायक होता है, फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल है, तो इस हिसाब से। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, जहां तक करेंगे, जितना शेयर करेंगे उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, तो एक निराशा आ जाती है दोस्तों, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अगर रिस्पॉन्स देंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा काम करने का। तो यहाँ देखेंगे कि अभी तो हम ये करवा रहे हैं, खान सर की हमारी पूरी ये जो टेस्ट सीरीज हो जाएगी, तो हम ये घटना चक्र की लेकर आएंगे, 10 टेस्ट सीरीज, तो आपकी कंबाइंड टेस्ट सीरीज होगी जीएस की, ये यूपीपीसीएस और आरओएआरओ के लिए। तो यहाँ पर यजुर्वेद के संदर्भ में हमें दो कथन दे दिया है दोस्तों, तो दो कथन दे दिया है, और दोनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। कहीं कहीं आपको पूछेगा कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, तो इस हिसाब से हमें देखना होता है, मार्किंग कर लिया करेंगे हम पहले कि हमें सही उत्तर देना है कि गलत उत्तर। तो यजुर्वेद के बारे में हमें बताना है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। यजुर्वेद में यज्ञ का संकलन है दोस्तों, इसी के कारण यजुर्वेद को हम लोग देखते हैं, इसे कर्मकांडी वेद कहा जाता है। तो यजुर्वेद के दोस्तों दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, एक जो है शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है वो केवल पद्य में है, तो यहाँ कह दिया है केवल गद्य में, तो यहाँ गलती कर दिया है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद जो है दोस्तों केवल पद्य में है, गद्य में नहीं है। और जो ये कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य दोनों में है। तो इस हिसाब से ये वाला दोस्तों दूसरा तो हमारा गलत हो गया, और यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों का संकलन है, इसी के कारण इसको कर्मकांडी वेद कहा जाता है, मैंने पहले बताया। तो विकल्प नंबर यहाँ आपका बी हो जाएगा, केवल एक सत्य है। आगे बढ़ जाए हम लोग, देखें यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर नील दर्पण किस लेखक के द्वारा लिखित नाटक है? तो हमें मालूम है नील दर्पण एक नाटक है जो लिखा है इन्होंने, दीन बंधु मित्र ने लिखा है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा यहाँ हमारा, दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा है, जो नील के किसानों, नील की खेती करने वाले जो किसान होते थे उनकी दुर्दशा को उजागर करने वाला एक नाटक है। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, दीन बंधु मित्र। आगे चले हम लोग देखते हैं, ये आठवां में, आठवां में दोस्तों ये कह रहे हैं कि सोंग्राम संगमा का आदिवासी विद्रोह, कौन सा विद्रोह दोस्तों? सोंगाम संगमा का एक विद्रोह है, ये एक तरह का आदिवासी विद्रोह है। तो ये किस राज्य में लड़ा गया था? तो ये दोस्तों असम में लड़ा गया था, विकल्प नंबर ये डी हो जाएगा, ये 1906 में, 1906 में असम में ये लड़ा गया था। आगे देखें हम लोग, ये आदिवासी विद्रोह था एक तरह का, तो इसमें तमाम तरह की जो प्रथाओं को लेकर ये विद्रोह हुआ था आदिवासियों में। आगे देखें हम लोग यहाँ नवे में क्या है दोस्तों, मैचिंग वाला प्रश्न, गजब का सवाल है, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम बड़े आसानी से इसको क्रैक कर देंगे, देखते हैं कैसे क्रैक होगा ये। तो आप भी क्रैक करना सीखिए, हर चीज हर व्यक्ति को नहीं पता होता है, कुछ चीजें हमें आधी अधूरी ज्ञान पता होती है, तो उसी के बल पर हम उस उत्तर उसको फोड़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग कोई चीज अगर प्रोग्राम करना चाहें तो ऐसा नहीं सारे संसाधन जुटा लेंगे, सारा पैसा हो जाएगा तभी आप उस कार्यक्रम को स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे वो सिचुएशन बन जाएगा, वो चीजें आपके पक्ष में हो जाएंगी। तो साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 9 देखते हैं, मैचिंग वाला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन, बहुत ही दमदार प्रश्न है ये, यहाँ आपको कई सारा फैक्ट, कई सारा कंसेप्ट जानने को मिलेगा। ये मैचिंग वाला प्रश्न है, एक तरफ आपको दे दिया है आदिवासी विद्रोह और दूसरी तरफ दे दिया है विद्रोह का वर्ष, कौन सा आदिवासी किस विद्रोह किस वर्ष में हुआ था, ये हमें मिलाकर अपने सेट में बता देना है। तो दोस्तों जो हमें सबसे ज्यादा क्लियर होती है, जिस फैक्ट को हम सबसे बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उसके पास हम लोग सबसे पहले जाते हैं। तो यहाँ हम लोगों को मालूम है संथाल विद्रोह झारखंड और आधुनिक झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में 1855-56 में हुआ था, तो ये वाला यहाँ पर आएगा। और हमें मालूम है दोस्तों ये चेंचू विद्रोह जो हुआ था ये 1921 के आसपास ये हुआ था आंध्र प्रदेश में, तो विकल्प नंबर ये यहाँ चला आएगा, यानी सी वाला 4 पे आएगा, डी वाला 1 पर। तो सी वाला 4 पर, डी वाला 1 पर, इसका मतलब ये चीज यही है केवल, और कहीं ऐसा नहीं है। तो
तो विकल्प नंबर सी हमारा ये उत्तर हो जाएगा, नौवां का यही होगा, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ इसी माले में है। अब हम कह सकते हैं दोस्तों ए वाला हमारा दो पर जाएगा, चोर विद्रोह कहाँ जाएगा, 32 में, चोर विद्रोह ये 1832 में जाएगा। कहाँ हुआ था चोर विद्रोह दोस्तों, ये बिहार में हुआ था चोर विद्रोह, और बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, और सतारा विद्रोह जो हुआ था 1840 में हुआ था। तो यहां पर हो जाएगा विकल्प नंबर सी ही हमारा यही सेट बन रहा है। आगे चले हम लोग दसवां में देखते हैं, दसवां में क्या है दोस्तों, वही चीज यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लगभग उसी तरह से आदिवासी विद्रोह से जोड़कर हमें यह पूछा गया है। तो क्या है हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर एक तरफ हमें आदिवासी विद्रोह दे दिया है, पहली सूची में क्या दिया है, आदिवासी विद्रोह, और दूसरे में उससे संबंधित नेता दे दिया है। तो उसको हमें बताकर मिलाकर अपने सेट में बताना है कि कौन सा होगा। तो दोस्तों हम लोग एक चीज यहाँ सबसे ज्यादा क्लियर है, यहाँ कोल विद्रोह, कोल विद्रोह के बारे में, तो कोल विद्रोह को हम लोग दोस्तों पढ़े हैं, ये 31-32 के आसपास 1800 हुआ था ये। तो इसके जो नेतृत्व करता थे ये कोल विद्रोह के, ये बुद्धो भगत थे, इनको हम लोग सबसे ज्यादा क्लियर हैं, हाँ यही है। तो बी वाला हमारा तीन पे होना चाहिए, बी वाला तीन में लगभग हर जगह है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम काट सकते हैं। अब हम देखते हैं, और खोंड विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, एक चक्र बिसोई ने किया था, बिसोई टाइटल नाम का एक व्यक्ति था, चक्र बिसोई, खोंड विद्रोह वही किया था, वहां पर आदिवासी उड़ीसा के रहने वाले थे। तो विकल्प नंबर ये आपका दो पर चलाएगा, ए वाला दो पर होगा, ए वाला दो पर हो जाएगा। और जो भील विद्रोह आता है दोस्तों, जो भील विद्रोह है इसका नेतृत्व तो ये गुजरात में हुआ था, गोविंद गुरु ने किया था इसका, तो ये यहाँ पर चलाएगा। बचा एक इसका रास्ता तो यही है, उरांव विद्रोह, ये जतारा में हुआ था। इस हिसाब से हम कह सकते हैं डी वाला चार पे होगा, तो डी वाला चार पे होगा, तो डी वाला चार पे कहाँ है, यहाँ है डी में, डी के पास। तो विकल्प नंबर यही हमारा उत्तर हो जाएगा, डी, दसवें का डी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, अब ये दोस्तों क्या है हमारा 11वां में, देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये हमसे कह रहे हैं वेल्लोर विद्रोह के संदर्भ में, वेल्लोर विद्रोह के संदर्भ में हमें कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हीं कथनों को पढ़कर हम अच्छे से देखेंगे वेल्लोर विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है, और ये जानकर बताएंगे कौन सा उत्तर सही है, और हमारा कथन में हम बता देंगे विकल्प में। तो वेल्लोर विद्रोह दोस्तों कह रहे हैं, पहला कह रहा है कि वेल्लोर विद्रोह 1807 ईस्वी में हुआ था, तो नहीं दोस्तों 1807 में नहीं, ये 1806 में हुआ था। तो ये क्यों इतना फेमस है वेल्लोर विद्रोह, जिस तरह से 1857 की लड़ाई एक सिपाहियों ने किया था गाय की और चर्बी, सुअर की चर्बी को लेकर, उसी तरह से वेल्लोर विद्रोह सिपाही ने किया था ये ड्रेस कोड को लेकर, 1806 में हुआ था, तो ये गलत हो गया, यहाँ 7 दे दिया है। हालांकि एक वर्ष का इतना उतना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है तो क्या कर सकते हैं, ये गलत है पहला वाला। दूसरा में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का यह पहला उदाहरण था। यस दोस्तों 1857 के पहले का मैंने बताया ना, सिपाहियों का एक पहला बड़ा विद्रोह था। तो दूसरा वाला यहाँ हमारा सत्य है, तो बी वाला सत्य हो जाएगा हमारा, यही सत्य है। आगे देखें हम लोग 11 का हमारा ये बी हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये 12 के पास, मैचिंग वाला प्रश्न है, तो देखें यहाँ पर हमें क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में एक तरफ हमें वायसराय का नाम दे दिया है, और दूसरी तरफ उससे संबंधित कुछ कार्य दे दिए गए हैं। तो दोस्तों इसी से संबंधित हमें बताना है पढ़कर, किस वायसराय का कौन सा कार्य है उससे संबंधित हमें बताकर, और अपने सेट में बता देना है हाँ यही सत्य है। तो दोस्तों हम लोग ये रिपन को कैसे भूल सकते हैं, रिपन जो है वो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, जैसे हमारे यहाँ पंचायत है और नगर पालिका वगैरह है, यानी लोकल बॉडीज जो है जिसे हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं, इसका जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। तो विकल्प नंबर ये सी वाला हमारा यहाँ आ जाएगा, ये तो हम सबसे क्लियर हैं इसके बारे में। तो बी वाला हमारा तीन पे गया, तो बी वाला तीन पे होना चाहिए, लॉर्ड लिटन को कौन भूल सकता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था दोस्तों ये, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब ये था कि अब कोई जो है समाचार पत्र देसी भाषा में नहीं बल्कि अंग्रेजी में छपेंगे,
उसका मतलब यह था कि अगर अंग्रेजी में छपेगा तो इंडियन लोग ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, हमारी नीतियों को समझ नहीं पाएंगे, हमारा विद्रोह नहीं कर पाएंगे कि अंग्रेज गलत है, नहीं तो सब पढ़ लेंगे देसी भाषा में रहेगा। तो ए वाला हमारा एक पर हो जाएगा और बी वाला तीन पर। तो ऐसा कहाँ है? ऐसा केवल दोस्तों है हमारा एक में है कि ए वाला एक पर, बी वाला तीन पर, तो यहाँ है। हमने एलिमिनेशन के माध्यम से जान गया कि हमारा उत्तर यही होगा दो ही फैक्ट से। अब हम कह सकते हैं ये सी वाला है लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन किया था, इसको भी कौन भूल सकता है, ये 1905 में ये। और लॉर्ड हार्डिंग तो यही जाएगा, इसका रास्ता ये बंगाल विभाजन को रद्द किया था। तो थोड़ी सी जानकारी अगर हमारे पास होती है तो हम भिड़ना सीखें, भागे नहीं, क्वेश्चन से भिड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्रैक हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ मिल जाएगा। तो देखें सब लगभग सब ही सरल था, लेकिन मैंने आपको एक समझाने के लिए बताता हूँ, हाँ आप कम ही जानकारी में उत्तर को निकाल सकते हो। आगे देखें हम, तो यहाँ पर देखें क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर कुछ राजनीतिक संगठन दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में, और उसके स्थापना का वर्ष दिया है। तो कौन सा राजनीतिक संगठन की स्थापना कब हुआ था इसके बारे में आप लोग बताइए। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों पहली राजनीतिक संस्था कही जाती है लैंड होल्डर सोसाइटी को। तो लैंड होल्डर सोसाइटी एक तरह के जो जमींदारों का ये संगठन था कह सकते हैं, तो जो राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ये हुआ था। तो ये जो है कब हुआ था दोस्तों, यह 38 में हुआ था, 1838 में। विकल्प नंबर ये दो पर चला आएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। तो ये हो जाएगा ए वाला हमारा दो पर आ जाएगा। तो ए वाला दो पर आएगा तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसको हम पहले आंखों के सामने से हटा दें, दूर कर दें। और दोस्तों अब हम चलते हैं इंडिया लीग पे ऊपर। इंडिया लीग दोस्तों, इंडिया लीग में क्या है? तो इंडिया लीग हुआ था ये 1875 में, इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर एक दिया है MMS, MMS दूसरा कुछ, MMS का मतलब मत समझ लीजिएगा, मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस, जो इस समय कांग्रेस है, इसकी 85 में हुआ था, इसकी एक साल पहले हुई थी। तो ये यहाँ पर चला आएगा। तो डी वाला एक पर आ जाएगा। तो डी वाला एक पर कहाँ है देख लें, सी के पास है केवल, और ऐसा कहीं नहीं है। तो 13 का हमारा आंसर सी हो जाएगा, ए वाला दो पर, बी वाला तीन पर, तो बी वाला तीन पर चला आएगा, और सी वाला चार पर, डी वाला एक पर। आगे बढ़ जाएं हम लोग, आगे बढ़े हम लोग, देखें यहां 1800, यहां 14वें में क्या है? भारतीय प्रेस आपातकाल शक्ति अधिनियम, भारतीय प्रेस आपातकाल शक्ति यानी प्रेस के लिए जो आपातकाल अधिनियम लाया गया था वो कब आया था? तो 1931 में महात्मा गांधी ने जब ये अपना चलाया था, मतलब जो गांधी जी का आंदोलन क्या था देखो, हाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जब चला था, तो उसके बाद अंग्रेजों ने इसको दमन करने के लिए और जो है पत्रिका पर, प्रेस पर जो है आपातकाल शक्ति अधिनियम लागू कर दिया था 1931 में। विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा। आगे देख ले हम लोग, 14 का हमारा बी हो गया। अगला देखें ये 15 में क्या है हमारा? तो 15वें में हमसे जो पूछा जा रहा है इंडियन एसोसिएशन के संबंध में, इंडियन एसोसिएशन के संबंध में हमें दो कथन दे दिए गए हैं, इनको पढ़कर बताइए कि कौन सा सही है हमारा। तो पहला अगर हम लोग पढ़ते हैं ये वाला, तो इसमें कह रहे हैं कि इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व नवगोपाल मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। दोस्तों थोड़ी सी इसमें गड़बड़ी कर दिया, नहीं तो लगभग ये सही था। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व सुरेंद्र बनर्जी ने किया था, और इसके साथ ही साथ दोस्तों एक आनंद मोहन बोस नाम के व्यक्ति थे, आनंद मोहन बोस करके थे, ये नवगोपाल मित्र नहीं थे। तो ये गलत हो गया हमारा, क्योंकि आनंद मोहन बोस की जगह नवगोपाल मित्र दे दिया था, और सुरेंद्र बनर्जी तो हैं, एक तो सही था और एक गड़बड़ कर दिया, इसलिए यह वाला गड़बड़ हो गया। अब दूसरा है इल्बर्ट बिल विवाद का कड़ा रुख अपनाया। तो दोस्तों इंडियन एसोसिएशन जो है इन्होंने एक पत्रिका निकाला था, उस पत्रिका नाम था सोचो बंगाली, द बंगाली। तो द बंगाली नाम का एक जो पत्रिका थी दोस्तों, उन्होंने जब इल्बर्ट बिल विवाद आया था तो उसकी बहुत घोर निंदा किया था, यही इसी संस्था की वो पत्रिका थी। तो
तो विकल्प नंबर दूसरा, ये कथन दूसरा तो सत्य है हमारा, पहला गड़बड़ हो गया, तो विकल्प नंबर बी हमारा केवल सत्य यानी केवल दो सत्य है, ए वाला गलत हो गया। तो 15 का बी हो जाएगा हमारा। इलबल बिड विवाद के बारे में आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने मतलब पहले ये किया था कि हम भारतीयों की सुनवाई, यूरोपियों की सुनवाई भारतीय जज नहीं करेंगे। तो फिर आया जो है कि हाँ भाई, एक लेकर आया था जब रिपन ने, तो कहा कि हाँ भाई ये इसकी भारतीय जज भी कर सकते हैं। उसी से संबंधित ये विवाद था, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। 16 में क्या है, बहुत अच्छा, प्राचीन समय में दोस्तों पेड़ पौधा पशु पंछियों की तमाम उनके बारे में जो जानकारी देने वाला ये नेचुरल हिस्ट्री नाम का ये पुस्तक किसने लिखा है, तो प्लिनी ने लिखा है। विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा, 16 का ये बी हो जाएगा, प्लिनी ने जो पहली शताब्दी में यानी पहली सन एक की बात कर रहे हैं, ये पहली शताब्दी में, तो मतलब ये जो पहली वाली शताब्दी आप लोग समझ रहे होंगे, तो पहली शताब्दी में ये प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नाम का ये पुस्तक लिखा। इसमें क्या था कि पेड़ पौधों जानवरों खनिज इत्यादि के बारे में उन्होंने एक विस्तृत चर्चा की थी। और आगे हम लोग देखते हैं 16 का क्या हो जाएगा हमारा, ये 16 तो हो गया, 16 का बी हो जाएगा। 17 को हम लोग देखते हैं, तो 17 में क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक संस्कृति के प्रमुख लक्षण नहीं है, तो नवपाषाणिक संस्कृति के कौन सा लक्षण नहीं है, तो कृषि का आरंभ हुआ ये भी लक्षण है दोस्तों, नवपाषाणिक संस्कृति के लक्षण है। पहिए का आविष्कार हुआ ये भी नवपाषाणिक संस्कृति के लक्षण है। और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, मंदिर पुरोहित का अभाव, ये सब दोस्तों जो हुआ ये भी जो है यह नवपाषाणिक जो है इसके जो है लक्षण हैं। तो कह रहा है कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, विकल्प नंबर सी। क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे तो पहले वो मातृ सत्तात्मक थी, लेकिन समय धीरे धीरे बदला, वो बाद में फिर जो है उसके आगे की जो मतलब समय था आया, उसके बाद वो जो है समाज अपना वो पितृसत्तात्मक हो गया। तो यहाँ पर नवपाषाणिक संस्कृति में ये जो है ये मातृसत्तात्मक न होकर पितृसत्तात्मक हो गई, तो विकल्प नंबर सी यही गलत था यहाँ। आगे देख ले हम लोग 18 में क्या है, तो 18 में दोस्तों जो है हमें क्या लिखा है यहाँ पर, एक ऋग्वैदिक मंडल है, ऋग्वैदिक मंडल दे दिया है और दूसरी सूची में उससे संबंधित ऋषि दे दिए गए हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं 10वें जो ऋग्वैदिक, ये जो ऋग्वैदिक का ये जो 10वां मंडल है उसके जो है ऋषि जो है ये महाशुक्तीय नाम के मतलब ऋषि हैं। तो विकल्प नंबर ये 10वें का महाशुक्तीय ये हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। डी का 3 कहाँ दिया है, केवल डी में दिया है, विकल्प नंबर ये डी हो जाएगा हमारा, यही सत्य है क्योंकि ये जो है डी ही के पास है। अब हम कह सकते हैं ये हमारा जो है ए वाला 2 पर आ जाएगा। सप्तम मंडल जो है वशिष्ठ, 7वां मंडल जो है इसके ऋषि कौन है, वशिष्ठ है। 8वां के कौन है, कण्व है, और एक है 9वां के, तो इनका तो यही है अंगीरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग अपना 19। तो 19 में क्या है हमारा, 19 में दोस्तों बहुत ऐसे जो मिलाने वाले प्रश्न होते हैं, इसलिए टेस्ट सीरीज वाले इसको ज्यादा बनाते हैं कि इसमें एक ही प्रश्न में आपको कई सारी जानकारियां मिल जाती हैं। अगर वन लाइनर का सवाल होगा तो उसमें एक सवाल में आपको एक ही जानकारी मिलेगी, तो इस हिसाब से टेस्ट सीरीज में ऐसे सवाल बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, खास करके मैचिंग वाले। तो एक तरफ यहाँ 19वें में हमें दर्शन दे दिया है और दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक दे दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा हमारा सही है, मिलाकर हमें मैचिंग में जो सेट में बता देना है हाँ यही हमारा विकल्प सत्य होगा। तो बहुत सी सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों ने इसके बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा कई कई बार कि पूर्व मीमांसा इसके प्रवर्तक जैमिनी है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। उत्तर मीमांसा ये बद्रायण है, वैशेषिक कड़ाद है, न्याय गौतम है, तो सीधा सीधा सबके सब मिले हुए हैं, तो सीधा सीधा इसका मतलब 1, 2, 3, 4 बी वाला हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा 19 का हमारा हो जाएगा बी। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग 20 वाले में। तो 20 वाले में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक हमें दे दिया है हड़प्पा स्थल और दूसरी तरफ उसके खोजकर्ता दे दिया है,
किस हड़प्पा स्थल की खोजकर्ता कौन से मतलब थे व्यक्ति, उनका नाम देखकर मिलाकर बताना है और सेट में हमें बता देना है हाँ यही सेट बन रहा है। तो दोस्तों चन्हुदड़ो को हम लोग सबसे ज्यादा क्लियर है मजूमदार, तो चन्हुदड़ो की खोज हड़प्पा स्थल का जो बहुत ही पॉपुलर जो स्थल था ये चन्हुदड़ो, जहां से ये लिपस्टिक वगैरह मिला था, तो यहाँ से इसके एनजी मजूमदार। तो ऐसे भी लिपस्टिक देखकर सबको ही मजा आता है, ऐसे आप सोचकर जोड़कर बना लेंगे तो आपको जो है दिमाग ही बना रहेगा। मजा से मजूमदार, चन्नुद्रो से लिपस्टिक मिला, तो ये चन्नुदड़ो की खोजकर्ता किसने किया, मजूमदार ने किया। तो इस तरह से आप लोग ऐसे कोई भी बात सोच लेंगे तो चीजें याद रहेंगी आपके दिमाग में। तो लोथल से, लोथल दोस्तों राव आर राव जो है ये जो है ये लोथल की खोज किए थे। तो एक बी वाला हमारा 3 पर जाएगा, डी वाला 2 पर, बी वाला 3 पर, डी वाला 2 पर, तो इसका मतलब ए हो जाएगा हमारा, क्योंकि B3 ए बी बी 3 हो जाएगा, D4, B3 और D4 हो जाएगा। तो D2, हाँ D2 है, मैं 4 पढ़ रहा हूँ, सही है, ए वाला ही होगा हमारा। 20 का हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 20 का हमारा उत्तर जो होगा हो जाएगा ए होगा, क्योंकि ऐसा यहीं पर है सिर्फ। तो ए वाला हमारा चला आएगा 1 पर, सुतका गेंडोर S3 हो जाएगा, S3 के पास, और एक है सुरकोटदा, ये 4 के पास चला आएगा, ये जो सी वाला है ये 4 के पास, JP जोशी। आगे चले हम लोग देखते हैं 21 का हमारा क्या होने वाला है आंसर, तो देखें क्या होगा यह हमारा। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में हमें कुछ बातें कुछ कथन दिया है, तो कौन सा कथन सही है उसको पढ़कर हमें बता देना है कि कौन सा मतलब कथन सही है, तो सही उत्तर देना है। तो ऐसी चीजों को आप मार्किंग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हम गलती कर देंगे, आता हुआ क्वेश्चन को भी हम लोग गलती कर देंगे। तो पहला अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या है यहाँ पर पहले वाले में, हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो दोस्तों यस, आप लोगों ने हड़प्पा स्थल पढ़ा होगा तो आपने किसी मंदिर का वहां चर्चा नहीं पाया होगा, मूर्ति का पाया होगा और चीजें को पाया होगा, मंदिर का वहां पर कोई चर्चा नहीं था। तो ये विकल्प नंबर ए तो हमारा बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है, और हड़प्पा स्थल अनुमानतः पुरोहित वर्ग द्वारा शासित होता था। बिल्कुल गलत, आप लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा कि यह जो है व्यापारी वर्ग के द्वारा शासन होता था, पुरोहित वर्ग के द्वारा नहीं। तो विकल्प नंबर 2 तो आपका, ये कथन 2 तो गड़बड़ हो गया, तो आपका सही कौन है, हमें सही पूछे हैं, तो सही दोस्तों केवल यहाँ पर एक हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़े हम लोग तो 22 में हमारा क्या है दोस्तों, बहुत ही गजब का सवाल, कुछ 16 महाजनपद के बारे में हमारे चर्चा है, बौद्ध ग्रंथ और कुछ जैन ग्रंथ में हमें इसकी चर्चा मिलती है कि 16 महाजनपद थे जिनमें से 8 केवल उत्तर प्रदेश में थे, ये चीजें आपको पता होगी। तो यहाँ पर आपको महाजनपद दे दिया है और दूसरे में राजधानी दे दिया है, किस महाजनपद की राजधानी क्या थी बताकर सेट में बताना है और बता देना है कि कौन सा विकल्प हमारा सत्य बनेगा इसके हिसाब से। देखते हैं तो पहले इसी को मिलाते हैं, यहाँ वत्स कहाँ हो जाएगा, वत्स कौशाम्बी पे हो जाएगा, डी वाला 3 पर होना चाहिए, तो डी वाला 3 पर होना चाहिए और बी वाला 1 पर होना चाहिए, तो B1 D3 ऐसा 2 जगह पर है, तो हमारा काम नहीं बना अभी। तो अभी कैसे काम बनेगा, एक हमें और सोचना पड़ेगा, ये जो है दोस्तों ये मत्स्य कहाँ था, ये विराट नगर में था, इसको भी बारे में हम लोग जानते हैं, ये विराट नगर, तो ए वाला हमारा 4 पे गया, तो ए वाला 4 पे देख रहे हैं केवल यही है और कहीं नहीं है, डी के पास है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। तो और हमारा ये वज्जी तो यही जाएगा वैशाली के पास और इसका कोई रास्ता नहीं है, तो हमारा यही डी बनेगा, बिल्कुल सही, हम लोग उसको कौशाम्बी जगह वैशाली मिला दिए थे इसलिए गड़बड़ हो गया। आगे देखते हैं हम लोग ये 23 में, 23 में क्या है साथियों हमारा, देखते हैं अजात शत्रु, अजात शत्रु के संबंध में हमें 2 कथन दे दिए गए हैं और दोनों कथनों को पढ़कर हमें बताना है कि कौन सा हमारा उत्तर सही होगा।
तो अजात शत्रु किस वंश से था दोस्तों? हर्यक वंश। हर्यक वंश में आप लोगों ने पढ़ा होगा पितृहंता यानी पित्र की हत्या करने वाला वंश। यहाँ पर देखेंगे बिंबिसार आता है, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु होता है, उसकी हत्या करके अजात शत्रु सत्ता ले लेता है। फिर अजात शत्रु का बेटा उदाइन होता है, वो उदाइन अजात शत्रु की हत्या करके सत्ता को ले लेता है। तो इस हिसाब से इसे जो है ये हर्यक वंश यानी पितृ के पिता का हत्या करने वाला वंश कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो अजात शत्रु का उपनाम यानी जो उपनाम होता है कुड़िक था। जैसे हम लोग का भी कई सारा उपनाम होगा, स्कूल का होगा रमेश, राजेश, बिमलेश, ऐसे करके होगा, और घर का कल्लू लालू, इस टाइप का कुछ नाम हो जाता है। तो उपनाम जो है अजात शत्रु का कुड़िक था। यस, ये बात सही है। और इसके शासन काल में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। साथियों थोड़ी सी गड़बड़ी कर दिया आप लोग, यहाँ पर ध्यान नहीं दिए होंगे, ये गलत हो गया। ये जरूर है दोस्तों अजात शत्रु के ही शासन काल में, राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में। तो यहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति लिख दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो दूसरा गड़बड़ हो गया, पहला सही है। 23 का हमारा जो आंसर होना चाहिए वो केवल एक सही है, बी वाले में हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो अष्टांगिक मार्ग दोस्तों हमें बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है, और जैन ग्रंथ में हमें बताया गया है दोस्तों। जैन ग्रंथ में ये जो है तीन बातें हमें लिखा गया है जैन ग्रंथ में। जैन ग्रंथ में जैसे बताया गया है कि जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तो ये बताया गया है हमें जैन दर्शन में। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन जो हो गया और सम्यक आचरण हो गया यानी चरित्र होगा, ये जैन ग्रंथ से संबंधित है। तो जैन ग्रंथ में, तो ये जैन ग्रंथ से हो गए, तो अष्टांगिक मार्ग तो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, तो इसलिए हम एक और तीन जहां होगा उसको हटा देंगे। तो एक यहाँ बैठा है, तीन यहाँ बैठा है, इसको हटा दिए, एक तीन हटा दिए, तो और यहाँ भी तीन बैठा है, इसको हटा दिए, तो हमारा बचा यही वाला यानी चार और दो, यानी ये दो और ये चार, यही जो है अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आते हैं। अष्टांगिक मार्ग के बारे में आप लोगों ने अच्छे से एक बार पढ़ा होगा, अष्टांगिक मार्ग के बारे में, बौद्ध का अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक प्रयास, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, यही है अष्टांगिक मार्ग। तो यही दो केवल आ रहे हैं इसके अंतर्गत, डी आपका आंसर होगा। तो 25 में हमारा क्या हो जाएगा? 25 में यहाँ पर दोस्तों हमें दिया, एक तरफ बौद्ध संगीति दे दिया है और दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष दे दिए गए हैं। हमें बताना है कौन सी बौद्ध, चार बौद्ध संगीतियां हुई थी हमें मालूम है, तो चारों किसकी अध्यक्षता में कौन सी संगीति हुई थी बताकर और सेट में बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर हम लोग देखें, अगर दोस्तों ये हमारा जो पहला बौद्ध संगीति है हमें मालूम है, वही अभी मैंने इसके बारे में जस्ट चर्चा किया था, अजात शत्रु के शासन काल में राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये वाला हमारा ये दो पर आ जाएगा, यानी ए वाला दो पर आ जाएगा। तो ए वाला दो पर आ जाएगा, ये हमें क्लियर है, तो हम लोग इसे हटा दें सामने से, इसे हटा दें, इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा। और द्वितीय बौद्ध संगीति हमें मालूम है दोस्तों, ये कालाशोक के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में दोस्तों? यह कालाशोक के शासन काल में हुआ था, साब कमीर की अध्यक्षता में। तो ये वाला हमारा यहाँ पर चला आएगा। और तृतीय अशोक के शासन काल में हुई थी और उसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्त ने किया था। और चौथी तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में कश्मीर में हुआ था कुंडलवन, और वसुमित्र उसकी अध्यक्षता किया था। तो ये वाला हो जाएगा, तो डी वाला तीन पे होना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है डी वाला तीन पर और सी वाला एक पर। तो यस, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा, यस यही आंसर होगा हमारा। आगे बढ़े हम लोग, 26 में हमारा क्या है दोस्तों? बहुत ही गजब का सवाल। यहाँ पर जैन ग्रंथ में हमें मालूम है, यहाँ पर एक तरफ सूची एक में तीर्थंकर दिया है, सूची दो में प्रतीक दिया गया है। तो आप लोग जितने भी जैन तीर्थंकर हैं उनका नाम और प्रतीक याद कर लेंगे, कहीं से भी पूछ दिया जाता है आपको। तो दोस्तों
तीर्थंकर क्या होते हैं, जैन धर्म में जो उपदेश धार्मिक उपदेश देते हैं जैन ग्रंथों में, जैन धर्म में, उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये नमीनाथ, नमीनाथ नाम में भी नमी है और प्रतीक में भी नीलोत्तल है। तो ये सी वाला हमारा जो है नमीनाथ का प्रतीक क्या था, नीलोत्तल, नीलोत्तल। तो ये हो जाएगा हमारा सी वाला एक पर चला आएगा, तो सी वाला एक पर आना चाहिए। तो इसका मतलब सी वाला एक का मतलब आएगा, तो हम इसे हटा दें सामने से, इसे हटा दें और आगे बढ़ें। हम लोग यहाँ देखेंगे अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी हमें पता है इसका जो है प्रतीक संख है, तो ये संख है, यानी डी वाला चार पे आना चाहिए। तो डी वाला चार पे आएगा तो इसका मतलब हमारा ये बी वाला आंसर हो जाएगा, 26 का जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा एक और बचा है जो हम कह सकते हैं कि ए वाला हमारा दो पर आएगा, ए वाला मल्लिनाथ कलश आ जाएगा और मुनि सुब्रत कछुआ। तो इसका ये हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ जाएं हम लोग, देखते हैं क्या है हमारा आंसर 27 का। तो 27 में दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो निम्नलिखित में से सप्तभंग न्याय किससे संबंधित है, तो कौन सा सप्तभंग न्याय किससे संबंधित है दोस्तों। तो ये संबंधित है आपके जो है, जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर ये आपका ये जैन धर्म से संबंधित है सब। तो ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से। विकल्प नंबर ये आपका बी हो जाएगा, 27 का बी। आगे बढ़े हम लोग, 27 का बी हो गया हमारा। आगे चले तो 28वां का हमारा दोस्तों पूछा जा रहा है सवाल। तो क्या है 28वां में हम लोग देखते हैं, एक हमें प्रमुख संप्रदाय दे दिया है मैचिंग वाले में और आचार्य दे दिया है, किस संप्रदाय का कौन से आचार्य है ये बताकर हमें बताना है और सेट में हमें आंसर देना है। तो दोस्तों उसी हिसाब से देना है हमें, बहुत ही अच्छा। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन है दोस्तों, तो रामानुजाचार्य है। तो रामानुजाचार्य ये आ जाएगा हमारे डी पर, रामानुजाचार्य, ए वाला चार पे आना चाहिए। तो ए वाला चार पे आएगा तो इसको हम हटा दें सामने से, एलिमिनेशन लगाते चलेंगे तो हमें गलत होने का चांस नहीं रहेगा। और ब्रह्म संप्रदाय तो मध्वाचार, तो ये वाला हमारा ये आ जाएगा एक पर, तो बी वाला एक पर आएगा, तो बी वाला एक पर। तो ये कह सकते हैं बी वाला एक पर कहाँ है, ये डी के पास है। तो डी हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर हमारा कौन होगा 28 का डी हो जाएगा। इस हिसाब से अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ये सी वाला जो सनक है, ये सी वाला दो पर चला जाएगा, निम्बारका चार पे, और बचा है एक रुद्र संप्रदाय वल्लभा चार पे। हम लोग जानते हैं इसके बारे में, सिंपल सा प्रश्न था। आगे देखें तो यहां पर कह रहे हैं अशोक के किस अभिलेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है, तो धम्म नीति की व्याख्या अशोक के किस अभिलेख में की गई, तो 11वां अभिलेख। अशोक के मुख्य रूप से 14 अभिलेख थे दोस्तों, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा बड़े अच्छे से। तो सबसे महत्वपूर्ण उसका 13वां है, पूछा जाता है एग्जाम में 13वां अभिलेख क्या है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, पड़ोसी राज्यों का अपराध न करने का, ये सब तमाम बातें उसमें लिखा गया। तो यहाँ पर अभिलेख में धम्म नीति का है, तो 11वां शिला लेख है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। और 30 में हमारा कौन सा है देख रहे हैं, कौन सा कथन सत्य है कह रहे हैं, तो कौन सा कथन सत्य है हमारा यहाँ पर, तो 30 वाले में कल्प सूत्र के संबंध में, कल्प सूत्र के संदर्भ में कौन सा हमारा सत्य है वही हमें बताना है यहाँ पर। तो आगे अगर हम लोग जैसे देखते हैं यहाँ पे कल्प सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो पहला अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पहला में हमें क्या दिख रहा है, कल्प सूत्र जैन धर्म की पवित्र पुस्तक है जो भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई थी। यस, बिल्कुल सही, एकदम सही, यही उत्तर है। और बाकी जो है हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें आंसर मिल गया, हम यहाँ से बच के निकल सकते हैं। तो यही है हमारा ए वाला, 30 का हमारा उत्तर ए हो जाएगा। आगे चले हम लोग, यहां पर 31 में क्या पूछा जा रहा है हमें, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हमें कुछ कथन दिए गए हैं, दो कथन, तो हमें बताना है कौन सा उत्तर हमारा सही है। तो चले हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कांस्य सभ्यता थी दोस्तों। यस, बिल्कुल सही, कांस्य सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, विकल्प नंबर
ए हमारा सही है। दूसरा अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य उन्नत स्थिति में था, यस व्यापारी वर्ग का शासन था, आप लोग पढ़े होंगे, तो यस ये भी सही है। तो 31 का जो हमारा उत्तर होगा ए हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। आगे अगर हम लोग पढ़ें 32 वाले में, 32 वाले में दोस्तों हमें क्या पूछ रहे हैं, तो 32 वाले में जो पूछा जा रहा है कि हड़प्पा समाज के संदर्भ में, हड़प्पा समाज के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सत्य है, तो उसके दोनों कथनों को पढ़कर हमें बताइए कौन सा सही है। तो पहला अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हड़प्पा समाज कह रहे हैं ग्रामीण समाज था, सो दोस्तों गलत है, हड़प्पा समाज एक शहरी संप्रदाय था, नगरी समाज था, ये ग्रामीण नहीं था, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये एक नगरी समाज था, शहर शहर की तरह बिल्कुल, वहां के नालियों का आप लोग पढ़ाया गया होगा, वहां के दरवाजे जो होते हैं किस तरह से सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे, और खिड़कियां वहां की नाली व्यवस्था, तो ये सब शहरीकरण का पूरा अहम माहौल था। तो ए वाला हमारा गलत हो गया, हड़प्पा वासियों ने मनका बनाने की कला को परिष्कृत किया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा जो यहाँ पर हमसे क्या पूछे हैं, हाँ मनका बनाने की कला को परिष्कृत किया गया था, यस ये सही है। तो दूसरा वाला सही है हमारा, तो हो जाएगा यहाँ 32 का हमारा जो उत्तर होगा ये केवल 2 हो जाएगा। तो आगे हम लोग अगर पढ़ते हैं देखते हैं 33 में क्या है, 33 वाले में दोस्तों जो हमसे पूछा जा रहा है ये कह रहे हैं मौर्य कालीन कुछ टैक्स का नाम दिया गया है और उसके संबंध में उसका विषय दिया गया है, तो मौर्य कालीन का कौन सा टैक्स किसके लिए लगाया जाता था ये बताकर हमें बता देना है। तो चलिए हम लोग बताते हैं कौन सा टैक्स मौर्य कालीन में किसके संबंध में था, तो वही हमें बताना है यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर दे दिया है एक प्रणय, प्रणय दोस्तों जो टैक्स था मौर्य कालीन में वो संकट टैक्स था, संकट की स्थिति में लगाया जाता था, तो संकट कालीन टैक्स था ये। और विविध दोस्तों ये चारागाह टैक्स था, यानी जो चारा जितना जो चराएगा जितना पशुओं को उतना ज्यादा लगाएगा टैक्स, तो ये चारागाह टैक्स हो जाएगा। और प्रवेश कर आप लोग जानते हैं, प्रवेश मतलब नाम में ही लग रहा है, प्रवेश मतलब आना घुसना, यानी आयात कर, कोई सामान अपना जो बेचने आता था उससे लिया जाता था बाहरी से, तो प्रवेश आयात कर। और हिरण्य नगर टैक्स, इस हिसाब से हमारा देख रहे ए वाला 4 पे आएगा, ए वाला 4 पर आएगा, तो इसका मतलब हम इसको हटा दें इसको हटा दें, और बी वाला एक पर और सी वाला 2 पर, तो सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा ये 33 का सी। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 वाले में, देखिए 34 में क्या दिया है आपको, समुद्रगुप्त से संबंधित, गुप्त वंश के बहुत ही एक ताकतवर ये शासक था समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त के संबंध में आपको 2 कथन दे दिए गए हैं, इन्हीं दोनों कथनों को मेरे भाई पढ़कर आपको बताना है कि हमारा कौन सा उत्तर विकल्प सही है। तो कथनों दोनों को पढ़कर, तो आप जब पहला कथन पढ़ोगे तो पहला हम कह रहे हैं कि आर्यावर्त विजय के संदर्भ में समुद्रगुप्त ने सर्व राजोच्छेदता की नीति को अपनाया, तो नहीं भाई सर्व राजोच्छेदता की नीति समुद्रगुप्त ने नहीं अपनाया था, समुद्रगुप्त ने भाई जो नीति अपनाया था उसका नाम कुछ और था, इसी टाइप का था, उसका नाम था प्रसभो भ्रण ऐसे करके था, प्रसभो भ्रण, तो इस नीति को अपनाया था समुद्रगुप्त ने, जबकि यह जो है इन्होंने सर्व राजोच्छेदता की नीति को नहीं अपनाया था, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। और दूसरा आप जब पढ़ेंगे तो इसमें कहा जा रहा है आपसे कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर अभियान के दौरान 12 राज्यों के राजाओं को पराजित किया था, यह साउथ के उन्होंने जो अभियान किया था 12 राज्यों के राजाओं को उन्होंने हराया था, तो ये दूसरा हमारा सही है। अब हम इस हिसाब से अगर देखें तो हमारा कथन 2 केवल सत्य हुआ, तो विकल्प के हिसाब से मेरे भाई उत्तर हमारा सी सही होना चाहिए, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 35, तो 35 में हमसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये मैचिंग वाला प्रश्न है हमारा, मिलान वाला, तो मिलान वाले में देखेंगे हम लोग सूची 1 में आपको चंद्रगुप्त के नवरत्न के कुछ नाम दे दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं,
तो सूची एक को सूची दो से मिलाकर बताइए कि हमारा ऑप्शन में कौन सा सेट बन रहा है। तो साथियों आप लोग जानते हैं बड़े अच्छे से, जो चीजें बहुत ज्यादा आपको क्लियर कट हो उसी के पास पहले जाइए। तो कालिदास के बारे में आप लोगों को मालूम होगा साथियों, रघुवंश की ये नाम की जो रचना है ये कालिदास ने लिखा है, आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। ये तो आप लोग जान गए, यानी ए वाला हमारा दो के पास रहेगा, ये तो क्लियर है। तो आप लोग देख रहे हैं ए वाला दो के पास केवल बी में है और कहीं नहीं है, देख रहे हैं आप लोग ना आपकी आंखों के सामने। अब बाकी सब ये तीनों आपको आता है कि नहीं आता है वो बात अलग है, लेकिन आप लोगों ने उत्तर को निकाल लिया, आप लोग यहां से निकल सकते हैं। इस आधार पर अब हम लोग को समझ में आ गया कि हाँ भाई ये जो छड़पक, ये नवरत्न थो चंद्रगुप्त के जो ये छड़पक थे, ये जो है क्या थे, ये क्षण भर में लोगों का भविष्य बता देना ज्योतिष शास्त्र, तो वही है, नाम से ही लग रहा है छड़पक छपड़ छपड़क। तो विकल्प नंबर ये जो है चौथे से चला जाएगा छपड़क। अब ये सी वाला जो है एक पे चला आएगा शंकु शिल्प शास्त्र, और वेताल भट्ट ये मंत्रा शास्त्र। तो यहां आ जाएगा आपका हो गया जो 35 वाले में जो आंसर होना चाहिए आपका, ये हो गया विकल्प नंबर बी। आगे बढ़ जाए हम लोग, देखें क्वेश्चन नंबर ये 36 वाला जो है इसमें भी हमें मैचिंग वाला ही प्रश्न है। तो एक तरफ हमें दे दिया है कुछ प्रमुख शासक का नाम दे दिया है, और दूसरी सूची में उनकी उपाधियां, उन्होंने कौन सा टाइटल यूज किया, कौन सी उपाधियां अपने आप पर दी, तो वो दे दिया है। तो उन शासक और उनकी उपाधियों को हमें मैच कराकर बताना है कि विकल्प में कौन सा हमारा सेट तैयार हो रहा है, कौन सा सेट बन रहा है। तो चले हम लोग मिलाते हैं। तो जानते हैं हम लोग दोस्तों समुद्र ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये इन्होंने ही विक्रमादित्य नाम का ये उपाधियां रखी थी, टाइटल यूज किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बारे में हम लोग तो अच्छे से क्लियर होंगे, बड़े ही बढ़िया तरीके से ये हो जाएगा। और ये श्रीगुप्त के बारे में भी हम लोग जानते हैं, ये जो गुप्त वंश के शासक, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण किया, इनको बारे में भी अच्छे से जानते हैं। तो हमारा कौन सा, देखें ए वाला हमारा तीन पे आएगा, सी वाला एक पर। तो ए वाला तीन पर सी वाला एक पर ऐसा कहां है, देख रहे हैं सिर्फ ऐसा यहां पर है। तो हमें सिर्फ दो ही जानकारी से हमको उत्तर पता लग गया कि हाँ ये है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर सी हुआ, 36 का हमारा सी हो जाएगा। अब हम कोर और भी मिला लेते हैं, बी वाला हमारा चार पे चला जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये महाराज धीराज, तो ये वाला, और बचा एक है कुमार गुप्त का बेचारे का, इसका तो यही जाना है और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो सी हो गया। आगे देखें हम लोग ये 37 में, तो 37 में दोस्तों बहुत ही लाजवाब हड़प्पा सभ्यता से हमारा एक प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा हमारा सही है। तो जो सही है उसको बताना है कथनों को, और कौन सा कथन सही है सही कथन चुनना है। कभी कभी आपको गलत कथन चुनने का बोल देगा, तो इसलिए ऐसे चीजों को आप मार्किंग जरूर करिए। तो यहां पर देखें हम लोग पहले वाले में, पहले कथन में आपसे कह रहे हैं, पहले कथन में कि हड़प्पा लिपि चित्रात्मक और शब्दांशीय थी। यस दोस्तों, हड़प्पा लिपि जो थी वो ज्यादातर उसमें चित्रात्मक थी, ज्यादातर कुछ मछली जैसे शब्द मतलब चित्र थे इस तरह की, तो चित्रात्मक और शब्दांशीय थी। तो ये बात बिल्कुल सही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर हड़प्पा सभ्यता, तो ये चीजें आपको याद होगा, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा वाला अगर आप लोग पढ़ेंगे तो दूसरा वाले में करें हड़प्पा लिपि को कई बार पढ़ा जा चुका है, सरासर गलत, आपसे बहुत झूठ बोला जा रहा है दोस्तों, आपको बहकाया जा रहा है, हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है एक भी बार, तो इसलिए यह दूसरा गलत हो गया। तो कौन सा कथन हमारा केवल एक सही है, तो विकल्प के हिसाब से ए हो जाएगा, 37 का ए हो गया है, केवल एक सही है। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे 38 वाले में देखते हैं क्या है, तो 38 वाले में दोस्तों इस समय क्या हो जाएगा हमारा, 38 वाले में देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, फिर हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में आपको दो कथन दे दिए गए हैं, कौन सा कथन हमारा सही है उसे पढ़कर हमें सही उत्तर का मतलब चूज करना है। तो हम लोग जब पहला यहां पढ़ेंगे तो पहला वाले में क्या कहा जा रहा है, मेसोपोटामिया
वासी सिंधु क्षेत्र को मेलुहा कहा जाता था। यस, मेसोपोटामिया वासी सिंधु क्षेत्र को वो मेलुहा कहा जाता था। यस, बिल्कुल सही है, ये मेलुहा ही कहा जाता था, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो हड़प्पा मुहरों का प्राथमिक उद्देश्य संपत्ति के स्वामित्व को चिन्हित करने के लिए, यानी मुहरों को उपयोग करते थे हड़प्पावासी, तो ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बात भी सही है, दूसरा भी सही हो गया। और तीसरा वाले में करें, प्रचलन में और व्यापार के लिए बड़ी मात्रा में धातु मुद्रा उपलब्ध थी। दोस्तों उस समय हड़प्पा सभ्यता में ये धातु मुद्रा जो है उस समय प्रचलन में नहीं थी, प्रचलन में थी ही नहीं धातु मुद्रा। वो लोग जो वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे, यानी आदान प्रदान के माध्यम से, एक सामान देकर दूसरा सामान लेते थे, इस तरीके से वस्तु विनिमय के माध्यम से वो अपना काम करते थे एक दूसरे वस्तुओं से। तो ये वाला हमारा गलत हो गया, तीसरा। तीसरा गलत हो गया तो इसका मतलब तीन विकल्प में नहीं रहना चाहिए, ये नहीं होगा और बाकी सब होना चाहिए, तो इसका मतलब सी सही होगा, विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, ये देखे हम लोग, ये 39। तो दोस्तों इस समय थोड़ा समय कम मिल पा रहा था, इस समय जैसे यहाँ आंदोलन प्रयागराज में हो रहा है तो हम लोग ज्यादातर यही व्यस्त हैं इस समय, तो आपके लिए कंटेंट थोड़ा इस समय कम मिल पा रहा है, उसके लिए सॉरी। तो देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 39 में क्या है, मैचिंग वाला प्रश्न है। एक गुप्त युगीन अधिकारी का नाम दिया है, यानी गुप्त शासन काल में जो अधिकारी हुआ करते थे उस अधिकारी का नाम है, और वो अधिकारी कौन सा अधिकारी किस विभाग के लिए था, वो विभाग का नाम दे दिया है। अब हमें पढ़कर दोनों को मिलाकर बताना है कि कौन सा सेट हमारा सही है। तो देखें यहां पर दोस्तों, एक चीज तो आप लोग जानते हैं, महादंड नायक, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, नाम से ही लग रहा है, महादंड नायक यानी सेना का सर्वोच्च अधिकारी होगा ये, तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी मतलब कौन था, महादंड नायक था। तो इसके बारे में आप लोगों ने मतलब ये महादंड नायक, ये तो ये दोस्तों नहीं है, महादंड नायक जो था ये दोस्तों युद्ध एवं न्याय का मंत्री था, मतलब दंड देने वाला एक तरह से, महादंड नायक यानी दंड को देने वाला एक तरह से कर सकते हैं, न्याय मंत्री था। तो ये सी वाला, ये चौथे पर आएगा, तो सी वाला चौथे पर कहाँ है, सी वाला चौथे पर दोस्तों यह दो में है, ए में है और बी में है। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़े क्योंकि क्लियर नहीं हुआ, तो ये महाबलाधिकृत, तो महाबलाधिकृत ये कौन है दोस्तों, ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी है। तो विकल्प नंबर ये जो बी वाला है ये एक पर चला आएगा, यानी बी वाला एक पर होना चाहिए, तो बी वाला एक पर कहाँ है, ये यहाँ है बी में, तो विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा, हमें पता लग गया ये ए नहीं होगा। तो इस हिसाब से अब हम लोग कह सकते हैं ये जो है हमारा ए वाला दो पर जाएगा, महाप्रतिहार ये जो अधिकारी थे इसको कौन सा विभाग था, राजमहल में रक्षक का प्रावधान हुआ करता था, और दंडपाशिक पुलिस विभाग द्वारा, ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, विकल्प नंबर ए ये तीसरे पर चलाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ये बी वाला बन रहा है, यही हम तो बी वाला हो जाएगा, हालांकि एलिमिनेशन लगाएंगे तो आपको कम ही जानकारी रहेगी, क्योंकि सब चीजें सब लोगों को नहीं आती, या हर चीजें हर लोगों को नहीं आती जो है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें क्लियर कट या थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, सारी चीजें सभी को नहीं याद रहती हैं। तो इस हिसाब से हम लोग चलते हैं आगे, देखें हम लोग 40 में, तो 40 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो एक चीज यहां पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में हमें दो कथन दे दिए हैं, दोनों कथनों को पढ़कर बताइए कि कौन सा उत्तर हमारा सही है। पहला हम लोग जब पढ़ने जाएंगे तो इसमें कह रहे हैं कि इसकी प्रारंभिक मांगों में से एक रॉयल कमीशन की स्थापना थी। यस दोस्तों, इसकी जो प्रारंभिक मांग थी रॉयल कमीशन की स्थापना, इसके बारे में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कांग्रेस की स्थापना, तो वहां पर आपको ये चीज जानकारी मिलेगी। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो इसके बारे में जानते हैं आप लोग, ये बात तो सही है। और दूसरा अगर देखने जाएंगे तो दूसरा, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कह रहे हैं कि एलन ऑक्टोवियन ह्यूम थे, तो एलन ऑक्टोवियन ह्यूम दोस्तों ये प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, ये यहां पर गलत हो गया। तो
बनर्जी साहब थे वहां पर प्रथम अध्यक्ष, तो ये वाला हमारा 40 का जो ये है ये गलत हो गया हमारा। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा केवल एक कथन सही है तो ए वाला होगा हमारा विकल्प नंबर ए। आगे देखें हम लोग जो 41 में, तो 41 में हमसे कह रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष के चुने जाने का सबसे कम उम्र के कौन थे। तो सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कोई जान नहीं है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाला ये जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे। तो साथियों अब्दुल कलाम ये आजाद, तो अबुल कलाम आजाद होना चाहिए था, यहाँ अब्दुल दे दिए हैं, तो यही है विकल्प नंबर ए। इन्होंने 1923 में ये किया। और इनके नाम एक चीज और जो है इनके कीर्तिमान है कि इन्होंने सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का जो है ये अध्यक्षता की है। तो विकल्प नंबर ए सही है हमारा 41 का। आगे देखें हम लोग तो यहाँ पर 42 में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के फलस्वरूप हुआ था, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। तो स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में हमें दो कथन दे दिए हैं और सही कथनों को पढ़कर हमें जो है सही उत्तर देना है। तो चले हम लोग अगर यहाँ पर देखते हैं पहला वाले में, तो इस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला की रचना की थी। यस बिल्कुल सही, जब आंदोलन होता था तो सड़कों पर यही गीत गाया जाता था आमार सोनार बांग्ला, तो इस समय। और ये जो है 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था जो संप्रदाय के आधार पर 1905 में हुआ था, और ये 1906 में, वर्ष 1906 में राष्ट्रीय परिषद का भी गठन किया गया। तो 42 का जो हमारा उत्तर होगा सी हो जाएगा, ये भी सही है, तो ये सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बढ़े ये 43 वाले में, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, मुस्लिम लीग के संदर्भ में। और मुस्लिम लीग के संदर्भ में कथनों को सही से पढ़कर, सही कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो चले हम लोग, इतना काम आप जरूर करिए, मैं जो 3 जगह मार्किंग लगाता हूँ ना, आप भी इतना लगाया करिए, मैं जानबूझकर नहीं लगाता हूँ। अगर यहाँ नहीं लगाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं आपसे जो है दिमाग से चीजें उतर जाएंगी, हम लोग को थोड़ा सा भटक जाएंगे, आता हुआ क्वेश्चन जल्दबाजी में हम लोग गलत कर जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहिनी सिंह उल मुल्क के नेतृत्व में हुआ था। तो साथियों इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, ज्यादातर यही फेमस है मुस्लिम लीग की स्थापना, तो ज्यादातर इन्हीं का नाम आता है आगा खान, तो इनको देखते ही आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस, लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध किया। दोस्तों ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन का विरोध किया, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। दोस्तों उल्टा बात कर रहे हैं, ये जो मतलब लीग थी बनी थी उस समय, तो हालांकि इसका कंट्रोलिंग ज्यादातर जो है जिन्ना पर चल रहा था, जिन्ना तो बाद में हुआ, लेकिन जब ये मुस्लिम लीग बनी थी तो इन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन एक तरह से किया था, और जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसके विरोध में उसका विरोध किया था। तो ये उल्टा दे दिया, तो ये दूसरा गलत हो गया। तो 43 का हमारा कथन केवल एक सही है, तो इस हिसाब से हमारा विकल्प ए सही होना चाहिए, तो ए सही हो जाएगा, 43 का हमारा ए हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 44 में, दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है, मॉन्टेग्यू घोषणा 1917, तो मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 के संदर्भ में हमें कुछ कथन दिए गए हैं, तो सही कथनों को पढ़कर हमें सही विकल्प चुनना है। तो देखें पहला अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें कह रहे हैं कि कहा गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना सरकार का अंतिम लक्ष्य है। यस ऐसा कहा गया था, तो विकल्प नंबर ए वाला हमारा सही है। और इसमें वादा किया गया था मॉन्टेग्यू घोषणा में कि भारतीयों को प्रशासन में अधिक से अधिक जोड़ा जाएगा और स्वशासी संस्थाओं को धीरे धीरे विकास किया जाएगा। यस यही दो तो इसमें बात किया गया था मॉन्टेग्यू में, तो दोनों के दोनों कथन हमारे यहाँ सत्य हुए। आगे देखते हैं, देखें अगर हम लोग ये क्वेश्चन नंबर ये 45 में अगर जाएं, तो 45 में आपको क्या मिल रहा है, अहमदाबाद मिल, यहाँ पर जो दिया है अहमदाबाद मिल्स हड़ताल 1918 के संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों को सही से पढ़ना है और सही विकल्प में उत्तर देना है। तो चले हम लोग पहला अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, तो इस हड़ताल में
गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। यस, जो अहमदाबाद मिल टेक्सटाइल 1918 में हुआ था, जो मजदूरों को लेकर, तो उसी समय गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। भूख हड़ताल को उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में प्रयोग किया, सफल भी हुआ काफी हद तक वो, तो ये सही है। और दूसरा कह रहे हैं कि अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए राजी किया था, तो यस विकल्प नंबर दोनों सही है, अनुसुईया ने ही किया था। अनुसुईया साराभाई गुजरात के ये भी थे, तो विकल्प नंबर ये दो, एक दो दोनों सही हैं, तो सी हमारा सत्य होगा, दोनों में 45 का सी हो जाएगा। आगे देखें अगर हम लोग ये 46 में, तो 46 में असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, तो दोस्तों सब जानते हैं 1920 में शुरू हुआ और 22 के फरवरी में चौरी चौरा कांड के कारण इसे रोक दिया गया। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, विकल्प नंबर ये डी हो जाएगा हमारा, 46 का डी। आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, फिर जब 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए एक हिंसा के कारण गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर, तो इसीलिए गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया, जिससे काफी युवा वर्ग नाराज हुआ और नाराज होने की वजह से काफी जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा वर्ग जो है क्रांतिकारी की ओर मुड़ गए। और जो है उस समय मोतीलाल नेहरू, सी आर दास ने 1923 में एक पार्टी भी बना लिया था, स्वराज नाम की एक पार्टी, तो आप लोगों ने इसके बारे में जानता होंगे। आगे देखें हम लोग 47, ये गदर पार्टी के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं। गदर पार्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मॉडर्न इंडिया से संबंधित ये प्रश्न है, बहुत चर्चा में रहता है मॉडर्न इंडिया में। तो गदर पार्टी के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सत्य है, कथनों को सही कथनों पढ़कर सही से उत्तर देना है हमें। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं कि इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। यस दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में ही हुई थी, अमेरिका में। तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और मोहम्मद बरकतुल्लाह ने किया था। यस, ये बातें बिल्कुल सही है। तो इन्हीं सब ने मिलकर ये सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया था। तो और गदर पार्टी द्वारा फरवरी 1915 को भारत में विद्रोह की तिथि तय की गई, जिसके द्वारा शुरुआत पंजाब से होनी थी। तो ये 1913 में ही शुरू हुआ था गदर पार्टी की स्थापना, और इसकी प्लानिंग ये 1915 21 फरवरी को थी, पंजाब में इसकी शुरुआत करने की थी। तो इस हिसाब से हमारा दोनों के दोनों कथन सत्य हुए, ए वाला भी सत्य है और एक वाला और दो वाला। तो इस हिसाब से हमारा ये 47 का जो आंसर होना चाहिए दोस्तों, 47 का दो आंसर सी होगा, एक और दो दोनों सत्य हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 48 में देखते हैं क्या है दोस्तों। इसको अब कौन भूल सकते हैं, एक मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 वाला, जिसमें मतलब मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था इलेक्शन में, और ये जो उसके जो है 10 साल बाद ये आया मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं। तो इसके संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए हैं, सही कथनों को पढ़कर और हमें सही उत्तर देने हैं। तो पहला वाला अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो पहले वाले में करें, इस अधिनियम ने ब्रिटेन को स्वदेशी राजनीतिक दलों की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने के लिए रियासतों का उपयोग करने की अनुमति दे दी। यस, बिल्कुल सही है, ये सही है एकदम। और दूसरा पढ़ेंगे तो इन्होंने पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव और सीमित मताधिकार की शुरुआत की। यस, 1919 के भारत शासन अधिनियम ने ही पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव, यानी जैसे जाकर वोट डालने वाली जिसे इस समय व्यवस्था है, इस तरह का प्रत्यक्ष चुनाव को शुरुआत की। हालांकि केवल गिने चुने लोगों को अधिकार दिया गया था, जैसे बड़े उद्योगपति लोग, बड़े जमींदार लोग, ऐसे ही लोग केवल थे, तो उन्हीं को सीमित मताधिकार दिया गया था। तो यही पहला, दूसरा भी सत्य हो गया। कह रहे हैं कि इसने द्विसदनीय प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना की। तो प्रांतीय विधान ये जो द्विसदनीय विधान, ये जो विधान परिषद की स्थापना तो हुआ था दोस्तों, लेकिन प्रांतीय नहीं हुआ था। यही छोटी सी गलती आपको जो है मात दे देगी, अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये केंद्र में दो सदनी चला था भाई, प्रांत में नहीं। जो दो सदनी 1935 के शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 में, यह जो है
एक केंद्र में सदन बना और एक राज्य में, यानी मतलब इस तरह का खत्म किया गया। तो इस तरह से ये जो हुआ, तो ये प्रांत में नहीं, केंद्र में द्विसदनी विधायिका मतलब चला था, द्विसदन वाला व्यवस्था। तो ये तीसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, यानी हमारा ये सी सही होगा, 48 का ये सी हो जाएगा। आगे चले, ये 49 में अगर हम लोग देखते हैं, तो 49 में हमारा क्या है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के विचार के अनुसार, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के विचार के अनुसार ट्रस्टियों की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। तो इसलिए गांधी जी ने ट्रस्टीशिप, दोस्तों आपको बता दें, गांधी जी ने जो ट्रस्टीशिप के विचार लाया था, तो ट्रस्टियों का जो प्राथमिक जिम्मेदारी थी वो यही थी कि बड़े लोग, धनवान लोग, जो पैसे वाले हैं, आकर उसमें जो है पैसा जमा करेंगे, वो पैसा इकट्ठा होगा, उस पैसे का उपयोग वंचित यानी गरीब वर्ग के लिए किया जाएगा। तो विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा, 49 का हमारा ये सी होगा। तो विकल्प नंबर हमारा ये सी हो गया यहाँ। आगे देखें हम लोग ये 50 में, गांधी जी के सत्याग्रह का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो गांधी जी के सत्याग्रह दर्शन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था दोस्तों, यही था कि जो उनका विरोधी है, प्रतिद्वंदी है, उसको बिना किसी नुकसान के यानी अहिंसा के माध्यम से संघर्ष को यानी मामले को हल कर लेना। विकल्प नंबर बी यही होगा, गांधी जी का यही था नीति भी। तो आप लोग देखते ही यही लगाएंगे, आपको अगर नहीं पता रहा होगा तो भी आप यही लगाएंगे, मुझे पता है। ये देखें 51 वाले में, तो 51 वाले में देखते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 के संदर्भ में कौन सा हमारा कथन सही है, इसको जो है पढ़कर हमें बता देना है, सही उत्तर दे देना है। तो यहाँ पहला में आपके आंख में सीधा सीधा धूल झोंका जा रहा है, कह रहे हैं तीन कठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी भूमि के 4/20वें भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। यस दोस्तों, तीन कठिया प्रणाली में किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, लेकिन यह 4/20वें भाग पर नहीं, 3/3, तीन कठिया नाम ही है, तो 3/20वें यानी जितनी आपके पास भूमि रहेगी उसका 20 भाग कर लोगे, 20 भाग में से जो 3 भाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य हो जाएगा। जैसे आप 20 में से 3 नंबर पाते हैं, इसी प्रकार जितनी आपकी मान लो 20 बिस्सा जमीन है, तो 20 बिस्सा जमीन में से 3 बिस्सा जमीन पर आपको जो है नील की खेती करना होता था, इस तरह से। तो ये चीज आपको यहाँ इस कथन को गड़बड़ी कर दिया, तो इसलिए गलत हो गया। दूसरा में, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए राजी किया था, यही दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह में यही राजकुमार शुक्ला ने ही गांधी जी को बुलाया था इस मामले को हल करने के लिए, और यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह माना जाता है। तो ये दूसरा सत्य है हमारा, तो एक गलत हो गया, यानी विकल्प बी हमारा सही होगा, केवल 2 सही है, 51 का बी हो जाएगा। तो 52 में हमारा क्या है, 52 में हमारा है दोस्तों अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अगर इसका हम लोग एक एक अगर शॉर्ट में इंग्लिश में, इंग्लिश के लेटर के हिसाब से बनाएं, तो ए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना किसने किया था, तो ये नाम में आ रहा है अटला। तो देख रहे हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अटला, अटला कुछ टकला टाइप का नाम आ रहा है, तो टकला गांधी जी थे, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं अटला यानी टकला, यानी टकला कौन थे, हमारे बापूजी महात्मा गांधी जी थे। विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा। इस तरह से ऐसे कुछ चीजों को जो फैक्चुअल चीजें रहती हैं, तो कुछ ऐसे हम लोग ढूंढ लेते हैं उसको याद करने का एक तरीका जो हमेशा दिमाग में बना रहे। आगे देखें, ये 53 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में जो हुआ था, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है और सही विकल्प चुनिए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों, इसीलिए मुख्य उद्देश्य आप ये समझ लीजिए मोटे मोटे भाषा में, अंग्रेज बिना पूछे, बिना हम भारतीयों से पूछे, हम लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिए थे। तो उस समय जो प्रांतीय सरकारें थी कांग्रेस की और जो सब थी, तो उस समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया और व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, यह दिखाने के लिए कि हम ये द्वितीय विश्व युद्ध के साथ नहीं है, यानी भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ये जो है ब्रिटेन के साथ शामिल नहीं है, तो यह जताने के लिए मेन उद्देश्य ये था।
तो पहला है आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही बने, जवाहरलाल नेहरू द्वितीय बने, और ब्रह्मानंद को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में नाम किया था। यस बिल्कुल सही है, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने, एकदम सिंपल सी बात है। और इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि भारतीय लोग उपनिवेशवाद और नाजीवाद में कोई अंतर नहीं समझते, वही जो मैंने बात बताया उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो दूसरा वाला हमारा पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, तो सी वाला हो जाएगा, 53 का हमारा यह सी हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग 54 में। कांग्रेस ने ग्वालियर टैंक पर भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित किया था? कहां पर ग्वालियर टैंक पर भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित किया था? तो दोस्तों आप लोगों को मालूम है एक चीज, अभी आप लोग तो वैसे जानते हैं, मैं आपको जानकारी की बता दूं, 2022 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर जब ये मतलब इंडिया गठबंधन के साथ आए थे, तो उस समय यह प्रावधान था, मतलब इसी डेट को आए थे 9 अगस्त को, तो 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ था। तो विकल्प नंबर ए हमारा 54 का ये डी हो जाएगा ए। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये पारित कब हुआ था, तो जैसे कि हम लोग इसको अगर फिर से देखते हैं तो इसमें हुआ क्या था दोस्तों, कांग्रेस ने ग्वालियर टैंक पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो जो पारित किया था वो 8 अगस्त 1942 को पारित किया था, और शुरुआत इसकी 9 अगस्त 1942 से हुआ था। तो मैंने वो जो नीतीश वाली बात बता रही थी, नीतीश ने भी 9 अगस्त 1922 को मतलब 2022 को इस्तीफा दिया था। तो लोगों ने कहा कि ये तो मतलब जो इंडिया वाले थे तो वही कह रहे थे कि गांधी जी ने 9 अगस्त को ये आंदोलन छेड़ा था, 9 अगस्त को नीतीश ने भी आंदोलन छेड़ा है, तो यही बात जो है इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड में आई थी। तो ये वाला हमारा डी सही है, यहाँ पारित हुआ था तो 8 अगस्त को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये 55 में, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में हमारी कौन सी बात सही है उसको पढ़कर बता दीजिए हमारा कौन सा आंसर सही है। तो पहले में हम लोग देखेंगे कि कैबिनेट मिशन विभाजन को रोकने यानी बचाने का अंतिम अवसर था, कैबिनेट यही, ये तो बात सही है, और कैबिनेट मिशन ही जो है संविधान सभा जो बैठी थी तो कैबिनेट मिशन के अनुसार ही बैठी थी। इसके पहले क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, वो फेल हो गया था। तो ये जो है हमारा कुछ संशोधन के साथ इसी कैबिनेट मिशन के साथ ही शुरुआत हुआ था, ये 46 में आया था। और दूसरा कह रहे हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संघीय प्रणाली पर सहमत कराने में असफल रहा, तो नहीं दोस्तों ये फेल हो गया था, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है वो सहमति नहीं दे सका था, वो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। तो बाद में सरकार का विरोध करने के लिए सरकार में शामिल हुई थी, जब सरकार बन गई थी तब, तो ये असफल रहा, सफल नहीं रहा। तो दोनों बातें यहाँ पर एक गलत हो गई दूसरी हमारी, तो पहली सही है, तो पहला हमारा केवल एक हो जाएगा, तो ये जो 55 का है ए हो जाएगा हमारा। तो 56 में देखें हम लोग क्या है, तो 56 में ये रॉलेट एक्ट के बारे में हमें दिया है, रॉलेट एक्ट से संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या था, यही रॉलेट एक्ट था जब अंग्रेजों ने पारित किया कि हम संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उठा लेंगे और मनमानी तरीके से चाहे जब तक जेल में बंद कर लेंगे उसे, इस आधार पर जैसे किसी को मतलब अपराध नहीं किया है, सिर्फ अपराध उन्हें लग गया है कि हाँ ये कुछ हमारे खिलाफ काम कर सकता है, तो उसको उठाकर वो मनमानी समय तक जो है जब जब चाहे जेल में रख देते हैं, यही था रॉलेट एक्ट। तो इसी के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल ने ये मतलब वहां पर ये कर रहे थे सभा, और उन्होंने गोली चलाया तो जिसमें लाखों जो है बेगुनाह लोग मारे गए, तो इसी से संबंधित ये था। तो यहाँ पर जो दिख रहा है तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, आतंकवाद के संदिग्ध, यानी उनको जिसको लगेगा मतलब है नहीं उम्मीद के, सिर्फ एक जैसे अनुमान के आधार पर वो गिरफ्तार करके जेल में कारावास भेजने का अधिकार देता। आगे है ये 57 में हमारा, रॉलेट एक्ट के प्रति उत्तर में, रॉलेट एक्ट के प्रति उत्तर में किसने घोषणा किया था कि जो सरकार शांति काल में ऐसे अधिनियम बनाती है उसे नागरिक सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है? तो दोस्तों यही जिन्ना साहब ने, तो जिन्ना ने यही कहा था कि ये मतलब जो भी सरकार शांति काल में ऐसे कानून बनाती हो तो उसे जो है नागरिक सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो विकल्प नंबर ये मोहम्मद अली जिन्ना,
सी हो जाएगा हमारा, ये 57 का यहां सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो ये 58 में जो हमसे पूछा जा रहा है, तो गुप्त युगीन कुछ टैक्स दिया है, गुप्त काल में जो कुछ टैक्स लगाए थे वो दिया है, और संबंध तो किस संबंध में कौन सा टैक्स लगाया गया था, तो एक तरफ वो दिया है दूसरी सूची में। अब हमें इसे अच्छे से पढ़कर बताना है कि कौन सा हमारा विकल्प में ये सेट बन रहा है। तो दोस्तों यहां पर देख रहे हैं भूतोपांत नाम एक दिया है, तो यहाँ ये भूत वाला भूतोपांत नहीं, यहाँ भू का मतलब भूमि, ये पांत मतलब प्रांत, यानी एक तरह से कह सकते हैं तो यहाँ पर राज्य में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के ऊपर जो राज्य की भूमि में, यानी राज्य के मतलब भूमि पांत, तो यानी राज्य की जो भूमि है, राज्य के अंदर जो वस्तुओं का उत्पादन होता था उस पर एक तरह का टैक्स लगाया जाता था, तो ये चौथे पर चला आएगा भूतोपांत। और यहाँ देख रहे हैं एक वात भूत लिखा है, वात का मतलब हवा होता है, तो हवा से संबंधित कोई चीजें होती हैं, यानी वायु तथा जल के देवता की पूजा करने के लिए जो टैक्स लगाया जाता था, तो वो था ये वात भूत, ये वाला इस पर चला आएगा। यानी सारी की बहुत सारी चीजें नाम में ही छिपी होती हैं, जो पुराने शब्द देता है उसका मतलब पूछता है, सिर्फ थोड़ा सा हमें शब्दों को संबंध में जानकारी होनी चाहिए को उसका मतलब क्या होगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें दो ही फैक्ट के आधार पर, तो दूसरा हमारा एक के पास होना चाहिए, यानी बी वाला एक के पास होना चाहिए, बी वाला एक के पास यहाँ है और यहाँ है, यानी अब हम कह सकते हैं ये आंसर हमारा नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, इन दोनों को काट दिए, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, या तो डी वाला बी वाला होगा या तो ये। अब हम देखते हैं यहाँ डी वाला हमारा चार पे आएगा, डी वाला चार केवल यहाँ है, तो डी ही हमारा आंसर होगा, बी नहीं होगा, तो इस आधार पर 58 का हमारा जो उत्तर होगा वो डी हो जाएगा। और हमारा जो और बचा है उदरंग, उदरंग में यहाँ कौन सा हो जाएगा, ए वाला तीन पर जाएगा हमारा, विष्टि कहाँ जाएगा, निशुल्क श्रम के रूप में लिया जाने वाला टैक्स, और उदरंग जो है जो परमानेंट कृषक है उनसे लिया जाता था, यही है। आगे हम लोग देखें अगर ये 59 में, तो 59 में जो हमसे पूछ रहे हैं कि दो सूची दिया गया है, एक में हमें भूमि दे दिया है और दूसरे में उसकी विशेषताएं दी गई हैं, तो कुछ भूमि इसके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा एक बार, तो कुछ भूमि कहे और उसकी भूमि की विशेषताएं क्या होती थी ये है, तो हमें इसके बारे में जानकारी जरूर पता होती है, ये गोचर भूमि, तो गोचर गो से गाय, चर से चरने वाली भूमि, यानी वो चारागाह की भूमि, नाम में ही उसके अर्थ छिपे हुए हैं, थोड़ा सा हमें बस समझना होगा, तो गोचर भूमि का मतलब यही होगा कि चारागाह भूमि, गाय की चरने वाली भूमि, तो ये हो जाएगा डी वाला तीन तो हो जाएगा। और आप लोग विकल्प में देख रहे हैं डी वाला तीन सिर्फ यही है और कहीं नहीं है, तो इस आधार पर हम लोग कह देंगे कि हमारा उत्तर केवल बी हो जाएगा और इसके अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कंडीशन सिर्फ इसी में है, तो इस हिसाब से अब हम बड़े आसानी से इसको मिला सकते हैं आपके सामने, क्योंकि ये कही जानकारी है और वो साक्षात आपके सामने है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ए वाला दो पर जाएगा, सिल भूमि जो होती थी किसे कहा जाता था, ज्योति न जा सकने वाली भूमि, नाम में ही है सिल, जैसे हम लोग कोई सामान खरीद कर लाते हैं तो वो जैसे सिरप कोई लाए तो वो सिल पैक रहता है उसमें, तो वो सिल मतलब जो खुली न हो, इसी प्रकार से ये सिल समझ लीजिए, ज्योति न जा सकने वाली भूमि, और यहाँ पर ये जो वास्तु है तो ये हो जाएगा वास करने वाली भूमि, नाम में ही है निवास करने वाली भूमि जहां पर लोग रहते थे, और अप्रहत भूमि बिना ज्योति गई जंगल वाली भूमि, तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाएगा 59 का ये बी हो जाएगा। तो आगे चले हम लोग 60 वाला देखते हैं, तो ये हमें देख रहा है अजंता चित्रकला, अजंता चित्रकला के संदर्भ में कहाँ है ये, महाराष्ट्र में है, तो उससे संबंधित सही कथनों को पढ़कर सही आंसर हमें देना है। पहला पढ़ेंगे अजंता के दुर्लभ चित्रों के बारे में जानकारी सबसे पहले जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के माध्यम से उपलब्ध कराई थी, यस ये बात सही है। और दूसरा यहाँ पहली शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक यहाँ पर जो चित्रकारियां हैं, तो यहाँ पर जो है ये जो है कि ये वाले में यह पहली शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक के यहाँ जो सारे चित्रकारियां यही हैं,
तो नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही सही है दोस्तों, यहां पर ये गलत हो जाएगा। 10वीं शताब्दी तक यहां पर नहीं है, तो एक वाला केवल एक सही होगा। तो विकल्प नंबर ये बी हमारे साथ केवल होगा, ये वाला हो जाएगा। आगे चले हम लोग, देखते हैं। ये 16वीं शताब्दी के चित्र है, 10वीं तक नहीं, तो यहाँ याद रखेंगे हम लोग ये 16वीं शताब्दी के। तो 61 में हमारा क्या है, तो 61 वाले में भी हम लोग देखते हैं यही है मिलाने वाला। थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले, आप लोग जान ही गए होंगे ये मिलाने वाला प्रश्न है 61 में। तो एक तरफ हमें साहित्य दे दिया है, दूसरी तरफ रचना है। तो कौन सी साहित्य के रचनाकार कौन है उसको मिलाकर हमें बताना है। तो देखें हम लोग, ये जो है मुद्रा राक्षस के बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, हमारे सामने कई बार आया है। इसको ले चलिए, यहाँ विशाखा दत्त ने इसकी रचना की है। तो सी वाला एक के पास आ जाएगा, और सी वाला एक के पास यहाँ है और यहाँ है, देख रहे हैं ना, यहाँ यहाँ, यानी ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक और, जो किरातुजुनियम, किरातुजुनियम इसके रचनाकार भारवी हैं। तो भारवी ए वाला 3 पर आ जाएगा। तो ए वाला 3 पर यहीं पर भी है, इससे काम नहीं बना, हमें एक और कम से कम चाहिए जानकारी। चारू दत्त के बारे में हम लोगों को मालूम होगा, भास ने लिखा था, तो ये चारू दत्त भास ने, तो डी वाला 4 पे हो जाएगा। डी वाला 4 पे ये बी के पास है, तो बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। और एक हमारा है, उसका बेचारे का रास्ता यही है, शिशुपाल वध किसने लिखा है, माघ ने लिखा है, 2 पे। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग 62 का। तो 62 में दोस्तों हमसे जो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी मैचिंग वाला प्रश्न है। मैचिंग वाले में इसमें ज्यादा होते हैं प्रश्न, क्योंकि उसमें आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल जाएगी। अगर वन लाइनर प्रश्न रहेगा तो उसमें आपको एक ही फैक्ट मालूम पड़ेगा। अगर ये मैचिंग वाला रहता है तो उसमें आपको चार चार फैक्ट एक ही बार में जानकारी मिल जाएगी, यानी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो एक तरफ हमें कुछ लिटरेचर दिए गए हैं यानी साहित्य, और दूसरी तरफ उसके रचनाकार। तो कुछ साहित्य के कौन से रचनाकार है बताकर हमें मिलाना है यहाँ पर। तो एक तरफ हमें देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हमें कौन सा क्लियर लग रहा है, सबसे ज्यादा कौन है, पंच सिद्धांतिका, ये वराह मिहिर ने लिखा है, आप लोग जानते हैं इनके बारे में। तो पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर ने लिखा है, तो डी वाला एक के पास होगा। और डी वाला एक कहाँ है, केवल यहाँ है और कहीं नहीं है, यानी सी वाला हमारा हो जाएगा। हम कह सकते हैं इतने ही इंफॉर्मेशन से हमें उत्तर मिल गया। अब हम कह सकते हैं ए वाला हमारा 2 पर जाएगा, अभी धर्म कोश, अभी धर्म कोश ये वसु बंधु पर चला आएगा। तो यही है इसका, इसका रास्ता यही है। और बी वाला हमारा 4 पे, यानी न्याय अवतार जो है ये सिद्धसेन ने लिखा है, इनकी रचना है। और रावण वध जो है वत्स भट्टी ने लिखा है। तो ये सी वाला हमारा 3 पे रहेगा। तो इस आधार पर हमारा हो गया ये 63 वाले में हमारा क्या है, तो हर्षकालीन, हर्षकालीन जो है प्रशासक स्थिति के संदर्भ में हमें 2 कथन दिए गए हैं। सही कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हर्षकालीन साम्राज्य का कोई भी प्रांतों में विभाजित कर जाता था, हर्षकालीन साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया जाता था, जिसे भुक्ति कहा जाता था। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये सही कह रहे हैं। और दूसरा, हर्षकालीन समाज में जिलों को विषय के रूप में जाना जाता था, यस, यानी प्रांतों को जो विभाजित किया जाता था उसमें भुक्ति, और छो फिर जिलों को जो विभाजित को जो है जिलों को विषय के नाम से जाना जाता था। तो दोनों बातें यहाँ सही है, ए हमारा आंसर होगा 63 का। 64 का हम लोग देखते हैं, मिहिर भोज प्रथम के संदर्भ में हमें कुछ कथन दिए गए हैं। कथनों को पढ़कर सही से हमें देना है सही उत्तर। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग, सुलेमान के विवरणों से मिहिर भोज प्रथम के काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। और दूसरा कह रहे हैं, मिहिर भोज प्रथम शैव धर्म का ये जो धर्मावलंबी था। तो इस हिसाब से हमारा ये कौन सा कथन सही होगा, तो दोनों के दोनों बातें सही है, यहाँ ए हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम लोग देखते हैं ये वाले में, 65 में,
तो विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज वो चौथा वाला था, यानी विग्रहराज नाम से तीन लोग थे और ये चौथा जो है, इसके संदर्भ में हमें कुछ कथन दिए गए हैं और बताकर हमें बताना है, सही आंसर देना है। तो पहले वाले हम लोग अगर देखते हैं, इसने तुर्कों के विरुद्ध संघर्ष करके कुछ प्रदेशों को जीता था, तो यस जीत लिया था इन्होंने, ये बात सही है। और इसने अजमेर नगर की स्थापना अपनी राजधानी को बनाया था। दोस्तों इसने अजमेर को अपनी राजधानी नहीं बनाया था, ये गलत है, यहाँ पर केवल एक सही होगा, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन दोस्तों लगभग आधा हो गया है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं और इसका सेकेंड पार्ट, यानी हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं लगभग क्वेश्चन नंबर 65 तक। अब हम लोग यही इसी के जस्ट बाद अपलोड करेंगे ये सेकेंड टेस्ट सीरीज, और सेकेंड टेस्ट सीरीज हमारा क्वेश्चन नंबर 65 से वो जहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 150 तक, 140 जो भी होगा वहां तक हम लोग देखेंगे। तो चलते हम लोग इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और मिलते हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।